अस्सलाम वालेकुम। फाइनल ईयर में आपको पता हो कि आपके लिए बेस्ट लेक्चर्स कौन से अवेलेबल हैं, तो आज बात करते हैं बेस्ट लेक्चर्स की जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स के लिए बहुत ज्यादा अहम है। तो स्टेप बाय स्टेप हम मूव करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेडिसिन की। मेडिसिन की अगर बात करें तो हम जाएंगे फाइनल ईयर में, जाएंगे और देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं। लेक्चर्स में जाएंगे, अब आपको दिखाता हूं कि हमारे पास क्या है। पीड्स की स्केची है, इंटरनल मेडिसिन की स्केची है, गाइनी ऑप्स की स्केची है, स्केची सर्जरी है। तो मैं आपको ये बता दूंगा, देखें ये तकरीबन 256 या 260 वीडियोस बनती हैं, बट मैं आपको बता दूंगा कि आपके लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। पहले आप उसको गो थ्रू कर लें, फिर जो बचेंगी वो आपकी मर्जी है, स्किप करना चाहें कर लें, नॉलेज के लिए सुनना चाहते हैं सुन लें, तो ये आपकी अपनी प्रायोरिटी है, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जाम्पल आपको स्केची इंटरनल मेडिसिन पे हम चल लेते हैं, इसको एक दफा गो थ्रू कर लेते हैं। इसमें कौन कौन से हमारे पास पोर्शन दिए हुए हैं और बाकी रिमेनिंग कार्डियोलॉजी दिया हुआ है आप देखें, उसके बाद हमारे पास एंडोक्राइनोलॉजी है, जीआई है और पल्मोनोलॉजी है, इसके अलावा ऑन्कोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, इंफेक्शियस डिजीजेस, तो काफी अच्छा पोर्शन दिया हुआ है। मैं आपको एक बात बता दूं कि जीआई हम करेंगे मेडिसिन में, वो हमें सर्जरी में भी फायदा देगी अगर हम स्केची से करते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास पीड्स की भी मैं आपको दिखा दूं, पीड्स के लिए कौन कौन से लेक्चर अवेलेबल है आप खुल के देख लें, क्योंकि मैं चाहता हूं ये देखें गैस्ट्रो के लेक्चर है, नेफ्रो के हैं, यूरोलॉजी के हैं, ऑन्कोलॉजी के हैं, ये हैं स्केची के। मैं आपको बता दूंगा इनमें से कुछ आपने सुनने और कुछ आपने स्किप करने हैं, ठीक है। पीड्स, नीट पीजी, अब बहुत से लोग यूट्यूब पे जाते हैं, मैं नीट पीजी की बात करता हूं, ये भी पीड्स के लेक्चर हैं और ये ही बेस्ट लेक्चर हैं, आपने सबसे पहले सुनने ही यही हैं, ठीक है। और मुझे तकरीबन 1 वीक लगेगा, आई एम ट्राइंग के मैं सारा डेटा कहीं ना कहीं अपलोड करूं टेलीग्राम पे या किसी ना किसी के थ्रू आप तक पहुंचाऊं, ताकि आपकी फाइनल ईयर बहुत अच्छी बन सके। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा नीट पीजी है, मेरे एक दोस्त ने, मैं उसका शुक्रिया भी अदा करता हूं, मुझे भी दिया था। 70 लेक्चर है, मैंने 5 डेज में इवन प्रॉफ से पहले ही खत्म किए थे और मेरा प्रॉफ इसी लेक्चर्स की वजह से बहुत अच्छा हुआ था। और पीड्स का पेपर 40 MCQs, 40 मिनट, 40 के 40 MCQs, सिनेरियो बेस्ड, 3-3, 4-4 लाइनों के, कुछ बच्चों का शॉर्ट हो गया टाइम ही, वो किसके 32 हैं, किसी के 38 हैं, बट ये लेक्चर सुने थे, कॉन्सेप्ट थे, अल्हम्दुलिल्लाह 40 मिनट में 40 डन कर दिए, बाकी अल्लाह ताला के हाथ में है, ठीक है। तो ये आपने सारे सुनने हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस पे जब हम पीड शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला तो आपको बता दूंगा ये इससे रिलेटेड है, पूरी डिटेल आपको बताऊंगा कि ये कैसे टॉपिक कवर करना है, कैसे हम मूव करेंगे, तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है। नीट पीजी हो गया, पीड्स के लिए स्केची प्लस नीट पीजी लेके चलेंगे, मेडिसिन के लिए हम स्केची इंटरनल मेडिसिन और स्केची पैथो लेके चलेंगे, और उसके बाद मैं अब आपको बता दूं सर्जरी, क्योंकि सर्जरी बहुत ज्यादा तंग करती है, तो इसमें हमारे पास क्या क्या है, देखें आपकी सर्जरी के अंदर ये जनरल सर्जरी का मेजर पोर्शन है, इसमें हमारे पास ये स्केची है सारी, ठीक है। वास्कुलर डिसऑर्डर लोअर, ये आपकी स्पेशल सर्जरी है, ऊपर फिर ये कुछ जनरल सर्जरी का, मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन सर्जरी में भी हमने नीट पीजी को लेके चलना है। दीज आर वन ऑफ द बेस्ट अमेजिंग लेक्चर्स यू विल एवर सी इन योर लाइफ इंशाल्लाह ताला। ये मेरा कमाल नहीं है, ये इंडियंस का कमाल है जो इतना बेस्ट पढ़ते हैं। जब मैंने सुने थे तो मैं भी शॉक था और मुझे ये पता लगा कि यार हमारे साथ तो सारी जिंदगी मजाक होता रहा है कॉलेज में लेक्चर के नाम पे। असल लेक्चर्स तो ये होते हैं, असल लेवल वर्थ नॉलेज की ये होती है जो इंडियंस ने समझाई है। क्रेडिट उनको जाता है क्योंकि उनके पेड होते हैं वो, नीट पीजी एक पूरी मार्केट है उनकी लेक्चर्स की, तो वहां से हमने डाउनलोड किए थे। ये तकरीबन 110 लेक्चर है, तो आपने सुनने, इसमें आपका सर्जरी ऐसे निकलेगी ना, मास्टर हो जाएंगे, और जो सर्जन बनना चाहते हैं उनको तो लाजमी सुनना चाहिए, बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं। मैं आपको इसकी भी डिटेल बताऊंगा, कौन सा टॉपिक कैसे करना है, यहां से क्या सुनना है, स्केची से क्या सुनना है, मैं आपको कोरिलेट करके उतना ही मटेरियल बताऊंगा जिसमें आप बेस्ट हो सकते हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो यूएचएस भी टॉप कर सकते हैं, आप उसमें पास भी कर सकते हैं, आप मीडियम स्कोर्स भी ले सकते हैं,
इट विल डिपेंड अपॉन यू, आपके कैलिबर पे, आपके हार्ड वर्किंग पे, उस पे सारा डिपेंड करेगा। मैंने तो इतना ज्यादा मैंने लास्ट 50 डेज ही पढ़ा है। उसके अलावा गायनी ऑप्स के लिए हम सेल्फलेस मेडिकोस यूज करेंगे। इसके बाद हम स्केची फाइनल ईयर की गायनी ऑप्स तकरीबन 20-22 वीडियोस बनती है, आपको बता दूंगा कौन कौन सी स्किप करनी है, कौन कौन सी जो है। इसके अलावा हम गायनी ऑप्स के लिए हमें स्केची पैथो की जरूरत पड़ेगी, हमें वहां से करना होगा उसका कुछ पार्ट। तो ये हैं बेस्ट लेक्चर्स जो आपको चाहिए, जिसकी आपको जरूरत है बेस्ट डॉक्टर बनने के लिए, अच्छे कॉन्सेप्ट वालों के लिए। देखें, जब आप लेक्चर सुनते हैं तो चीजें आपके लिए बहुत इजी हो जाती हैं और आप जो है उनको इजीली कर लेते हैं, और यही कमाल है लेक्चर्स का। तो इंशाल्लाह ताला आई विल प्रोवाइड, ट्राई टू प्रोवाइड इंशाल्लाह ताला किसी ना किसी तरीके से। इसके अलावा मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि मास्टर रवियन के भी कुछ नीट पीजी के लेक्चर्स हैं, वो मैं आपको शो कर दूंगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मुझे फेसबुक पे फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा, मैं रील्स पोस्ट करता हूं, वीडियोस वहां पे भी पोस्ट करता हूं, तो कोई आपकी मिस ना हो जाए फाइनल ईयर के रिलेटेड। और मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जजाकल्ला।